टाइगर भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, और आज तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं जला। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे फैशन स्ट्रीट आए और फैशन स्ट्रीट पे रुके हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ मिनाहिल? घूमने। तो हम लोग वर्ली आए हैं और बहुत बारिश हो रही है बाहर, बहुत बारिश सुबह 5 बजे से हो रही है। तो मिनाइल के पापा बोले कि चलो आज घुमाने लेकर चलता हूँ, मतलब अचानक से प्लान बन गया हमारा। तो इन्होंने बोला कि चलो सुबह रेडी रहना। तो सुबह क्या 12:30 बजे हम लोग घर से 1 बजे निकले हैं, अजान हो रही थी जोहर की तब निकले, और अभी हम लोग वर्ली पहुँचे, सीलिंग से होकर आए हैं। तो मिनाइल को भी घूमने का मन था इधर किधर। तो अभी हम लोग जाएंगे बांद्रा, और बांद्रा में उधर थोड़ा बैंड स्टैंड में भी उतरेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। और भी जगह रुकते लेकिन बारिश की वजह से कार में घूम रहे, नहीं रुके हैं। और मेरी बहन भी आई है तो वो पीछे अभी लेटी हुई है क्योंकि वो सो रही है, बारिश हो रही थी तो तब से सब बोर हो रहे हैं इसलिए। तो अभी हम लोग बैंड स्टैंड जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मिनाइल पीछे चली गई और अभी तक हम लोग कार में ही हैं क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल पंप ढूंढने में हमें टाइम लग गया था। तो अभी फिर से आकर बैठ गया, थोड़ा टाइम लगा, और अभी हम लोग जूहू चौपाटी तक पहुंच गए। तो हम लोग अम्ब्रेला लेकर आए हैं, उतर कर थोड़ी देर घूम लेंगे। और अभी यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है तो हम लोग रुके हुए, और बारिश रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर उतरे थे चर्च गेट के, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, तो बहुत ना यहाँ पर बारिश हो रही है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे बारिश और भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बारिश। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गेटवे ऑफ इंडिया है और लोग भीग भीग कर फोटो ले रहे हैं। तो हम लोग को उतरने का ये था कि उतरते यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह खाते, लेकिन उतर नहीं पाए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी बहुत ज्यादा बारिश बढ़ गई है। अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जाए, जुहू? नहीं, पीछे रहो मिनाइल, पीछे जाओ। तो अभी हम लोग जुहू चौपाटी जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे फैशन स्ट्रीट आए और फैशन स्ट्रीट पे रुके हुए हैं, और मिनाइल के पापा कार पार्क करके आ रहे हैं। तो देखिए, ये है मुंबई का बहुत बड़ा मार्केट, ये भी है फैशन स्ट्रीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं शॉप पे आई हूँ तो अपने लिए मैंने ये लिया है, ये प्लाजो टाइप का है, कम्फर्टेबल है, तो उस कलर का मैंने लिया है। देखिए, और भी कुछ देख रही हूँ, और ऐसे कुछ लेना नहीं, बाकी सब लड़कों के और टी शर्ट वगैरह है। फ्रेंड्स, मिनाइल के पापा भी आ गए और वो अपने लिए ट्राउज़र ले रहे हैं, और मैंने भी अपने लिए लिया, अभी वो अपने लिए देख रहे हैं। और अभी तक बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है। हाँ, साइज सही है ना आपका? कहीं फिट। फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोग ले चुके हैं, और मिनाइल के लिए एक टी शर्ट, मिनाइल के पापा के लिए, और मैंने अपने लिए भी लिया है, तो आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं जुहू बीच। बारिश अभी भी हो रही है। फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग सीएसटी स्टेशन के पास आ चुके हैं। ये कितना खूबसूरत है, मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत पुराना बना होगा ना, ब्रिटिश के टाइम का। तो ये स्टेशन बहुत खूबसूरत है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और अभी सिग्नल लगा था और ट्रैफिक भी था तो हम लोग रुके हुए थे। तो अभी हम लोग जुहू जा रहे हैं। अभी 5:30 हो रहे हैं और बारिश थोड़ी रुकी, और ये बिल्डिंग सबको देखिए, इसका जो टॉप फ्लोर है ना पूरे फॉग से ढका हुआ है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। जो लोग ऊपर होंगे और बैल्कनी में आते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। तो ये व्यू मैं बहुत देर से देख रही हूँ, ऐसा कि जो टॉप फ्लोर सब है वो पूरे फॉग से ढक गया क्योंकि सुबह से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बारिश हो ही रही है, और उसमें हम लोग 4.5 घंटे से कार में। इंतजार के बाद अभी आ गए ढाबा, स्वास्तिक ढाबा, जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं खाना खाने के लिए। और मिनाइल भी बहुत खुश है, और इसने अपना पूरा बाल खोल लिया है देखिए, और बारिश भी अब रुक चुकी है। तो बस फाइनली पहुंच गए क्योंकि बहुत टाइम लग गया आने में। तो अब हम लोग जहाँ हमेशा बैठते हैं अभी वहीं पे जा रहे हैं। तो देखिए, अभी बारिश की वजह से शायद ज्यादा भीड़ नहीं है। ये क्या हो रहा, बंद है क्या?
ये सब तो रखा है, क्योंकि हम लोग जब भी हमेशा आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, और इस बार देखिए ये सब खाली खाली है। नौशी वॉशरूम जाना है तुमको, आगे से चलो। तो देखिए अच्छा है, भीड़ थोड़ा कम है। नहीं नहीं दौड़ो, गिर जाओगी। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए और खाना भी ऑर्डर कर दिया हमने। यहाँ पर नौशीन है बैठी हुई और मिनाइल इधर खेल रही है, और बस अब सुकून मिल गया यहाँ पर आकर। मिनाइल के पापा आराम करें क्योंकि वो कंटिन्यू 7 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, 7-8 घंटे से। तो अभी स्टार्टर आ रहा है और फिर हाँ कार में बैठे थे इतने देर से इसलिए। फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोगों ने चना चिली मंगाया था स्टार्टर में, वो सब खा ली हूँ। और ये चिकन है, ये चिकन और ये कलेजी है, क्योंकि यहाँ पे जो चिकन होता है ना वो आता है, मतलब कि वो जो क्या बोलते हैं अक्खा चिकन लेकर, और देसी चिकन ही यहाँ पर बनता है। ऐसा नहीं कि तो आपको चिकन जो मतलब क्या बोलते हैं, बोलो चिकन कैसे लेते हैं ना, तो यहाँ पे चिकन केजी के हिसाब से लेते हैं, और उसके बाद फिर आप खुद उसको ज़बह करा के कुछ भी डिश बनवा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी वही बनवाया। और ये जो है ना उसका कलेजी निकला था फ्राई, तो वो फ्राई करके लेकर आए, और ये सब और नान मंगा रहे। फ्रेंड्स देखिए नान भी आ गया है, और ये अभी हम लोग स्टार्टर में खा रहे थे, और ये है मटन हंगामा। फ्रेंड्स हम लोग खाना वाना खा कर आ गए, और मिनाइल की हमेशा की तरह यहाँ पर इसको गाड़ी चलाना है, तो देखिए कार चला रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा बैठ कर ये कर रहे हैं, मतलब कि जो हमने खाना खाया है, तो हमने खाना पैक भी करवा लिया, इतना ज़्यादा हमारा पेट भर गया था, और थोड़ा थोड़ा ही हम लोगों ने खाया। मिनाइल के पापा ने ऑर्डर कर लिया था तो हमने पैक करवा लिया है, और थोड़ा सा मिनाइल गाड़ी चला रही है और वो लोग गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे, घर पहुँचने में 2 से 2.5 घंटा तो लगेगा ही। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं ढाबा से, खाना वाना खा कर मिनाइल ने बहुत इंजॉय किया। क्या अच्छा नहीं लगा अब्बा? क्या अच्छा अब्बा घोड़ा नहीं झुलाने दिए? तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमें जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है। पेशा डाल लो, पेशा पॉकेट में डाल लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पवई से जा रहे हैं, पवई के जंगल से। तो पहले बोला जाता था कि यहाँ पे रात में टाइगर भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, और आज तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं जला। देखिए ये पूरा अंधेरा है, शायद दिखता नहीं होगा सही से, तो हल्का हल्का डर भी लग रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ से जाने में थोड़ा डर भी लग रहा है, और यहाँ पर पहले ना 12 बजे के बाद एंट्री बंद था, यहाँ पे कोई आते नहीं थे, और बहुत सारी यहाँ पे घोस्ट स्टोरीज थी, और हॉरर स्टोरीज भी यहाँ की बहुत सारी है, पता ही नहीं उतना तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे आना बंद था, और आज तक यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे है, और देख लीजिए कहीं पे भी नहीं लगे। तो बस मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से यहाँ निकल जाऊँ यहाँ से, और आयतुल कुर्सी पढ़ के मिनाइल को मैंने दम कर दिया और सबको। फ्रेंड्स अभी 12:30 बज रहे रात के, और अभी हम लोग यहाँ पर ओशीवारा पेट्रोल पंप में पेट्रोल डला रहे थे, तो देखिए कितना प्यारा बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और हाँ और मिनाइल को थोड़ा सा वोमिटिंग हुआ, बहुत देर से कार में बैठी हुई है ना, इसकी वजह से इसको हो गया, और वहाँ पर से ऑयली और चिकन खाई थी थोड़ा बहुत ही। तो अभी 12:30 बज गए, अभी हम लोग जा रहे हैं ईरानी चाय पीने के लिए, और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, मौसम भी अच्छा हो गया है। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, मिनाइल के पापा मिनाइल को लेकर गए कोल्ड कॉफ़ी लाने के लिए, और मुझे थोड़ा जीरू पीना था तो वो लाने के लिए गए। मिनाइल को थोड़ा सा वोमिटिंग भी हो गया था, उसको भी कुछ खाना होगा, तो वो अपने पापा के साथ गई है। और यहाँ पे नौशीन बैठी है, ये भी थक गई है, एकदम परेशान हो गई है, और वो जो बचा हुआ खाना था वो भी हमने साथ में रख लिया है, तो थक गई है नौशीन। मिनाइल के पापा आ गए, देखिए क्या हुआ, जीरू लाए मेरे लिए? अरे गुड, पियो पहले, ठीक है देखो अच्छा लगेगा तो पीना, नहीं तो मत पीना। मिल्क शेक दिखाओ, टेस्ट करे, टेस्ट कराओ उसको, एक और बोल दिए मिल्क शेक। हाँ मैं तो नहीं पीऊंगी मिल्क शेक, किसके लिए बोले? नहीं आपको तो हम पहले बोले थे जीरू पियेंगे। अरे जीरू नहीं है, ठीक है हम कुछ भी नहीं पियेंगे, छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स मिनाहिल पी रही है और इसके पापा ये पी रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं पिया, ना ही नौशीन ने,
हम लोग को ये नहीं पसंद आया। अभी मैं और मिनोशी नीचे उतर गए हैं यहाँ पर, अभी हम लोग ओशीवारा के पास है। देखिए ये यहाँ का फ्लाईओवर है और मेट्रो ही चलता होगा। हाँ मेट्रो के लिए अभी हवा चल रही है और मिनाहिल और उसके पापा फिर से गए उधर। देखिए एक बजे रात में भी यहाँ पे कैसा भीड़ लग रहा है कि शाम हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अभी हम लोग अपने घर के पीछे आए हैं, खाओ गली, डेढ़ बज रहा है रात का, यहाँ पर भीड़ देखिए। शोरमा गर्मी भी लग रहा है अब हमें, और यहाँ पे शोरमा बन रहा है, लग ही नहीं रहा कि डेढ़ बज रहे रात के। फ्रेंड्स हम लोग अभी घर पहुंचे और दो बज रहे रात के और बहुत बारिश हो रही है बाहर। हल्का मैं भीग भी गई हूँ और देखिए मिनाहिल भी भीग गई थोड़ा बहुत थोड़ा सा, क्योंकि घर आते तक और मिनाहिल के पापा है ना कार पार्क कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, बेड लगा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह हमें कहीं निकलना है, तो आपको बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले ना मैं बेड लगा लेती हूँ, तो अभी तो पूरा घर साफ है, ये कारपेट उठा लेती हूँ और बेड लगा लेती हूँ। नींद नहीं आ रही है? फ्रेंड्स बेड लगा ली और मिनाहिल का कपड़ा मैंने चेंज कर लिया, और ये मिनाहिल ने नहीं पिया था तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। दो नहीं पिया था तो एक मैंने पी लिया वहां पर है, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि सुबह सुबह निकलना है। तो अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।